राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में आज खूब गहमागहमी रही। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया था। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर गए। कई जगहों पर गाड़ियां रोकी गई तो कहीं रेल यातायात भी बाधित किया गया। सूबे के कई जिलों में बंद समर्थकों ने आगजनी करते हुए हंगामा किया। गंगा ब्रिज थाने के गर्दनिया चौक जाम होने से महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सेतु की ओर आने जाने वाले मार्ग का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। जहानाबाद में भी दुकानें बंद करवा दी गईं और NH 83 के साथ साथ NH 110 को भी जाम कर दिया गया। पटना में भी जाप समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और सड़कों पर गुजर रहे बाइक सवारों पर लाठियां भाजी गई। जाप कार्यकर्ताओं के इस उत्पात से आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बंद के दौरान पटना के अलग अलग इलाकों में टमटम, बैलगाड़ी और हाथी जुलूस भी निकाला गया। सांसद पप्पू यादव ने घोड़े पर सवार होकर बिहार बंद का नेतृत्व किया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान ही पप्पू यादव सड़क पर ही बेहोश हो गए। उधर मुजफ्फरपुर में बंद के दौरान जाप कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि बंद समर्थक समरणालय पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर जब जुलूस नहीं रुका तो पुलिस ने हल्का बल प्रदर्शन किया जिससे कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बहरहाल स्पेशल स्टेटस को मुद्दा बनाकर जन अधिकार पार्टी ने आज बंद के बहाने खूब सियासी दांव खेला। लेकिन बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा कब मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि बंद के दौरान आज लोगों को दिन भर फजीहत झेलनी पड़ी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पटना से लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।